इनसे मिली है। ये है गुड कपूर। ये हर साल ऐसे नया नया फोन खरीदने का नाटक नहीं करते हैं। ये एक फोन लेते हैं, उसे 3-4 साल चलाते हैं, पूरा वसूल करते हैं, है ना? दैट इज करेक्ट। इनसे मिली है। ये है बैड कपूर। ये बिगड़ी हुई औलाद है बड़े बाप की। ये क्या करते हैं, ये हर साल नया आईफोन खरीदते हैं। इन्हें पैसे वेस्ट करने का बहुत शौक है लगता है। दैट इज ऑल्सो करेक्ट। अब जैसे मैं 3 साल अपना फ़ोन यूज़ करने वाला हूँ, मैंने आईफोन 12 80,000 का लिया, फिर उस पर कैशबैक क्लेम किया, उस पर GST क्लेम किया और मुझे फ़ोन 63,000 का पड़ा। आपको जानना है कि इन फ़ोन्स पे आप पैसे कैसे बचा सकते हैं GST क्लेम करके? आई बटन में वीडियो ज़रूर देखें। अब जब मैं ये फ़ोन आईफोन 15 लेते वक्त बेचूँगा, तब मुझे इस फ़ोन का तकरीबन 20,000 कैशबैक मिलेगा। तो यानी नया 80,000 का फ़ोन लेते वक्त मुझे 63 का पड़ेगा आफ्टर ऑल द क्लेम्स, और 20,000 मुझे अपने फ़ोन का मिलेगा, यानी आईफोन 15 मुझे पड़ेगा 43,000 का। धन्यवाद। ए गुड कपूर, सुन, अपन बोलेगा। देख क्या है कि अपन हर साल नया आईफोन लेता है। आईफोन 12 लिया, फिर 13 लिया, फिर 14 लिया, फिर 15 भी लेगा। क्या आईफोन 12 मैंने लिया, वही GST VST का कैलकुलेशन लगाया, मेरे को 63 का पड़ा। फिर वारंटी पीरियड जस्ट खत्म होने के पहले मैं वो फ़ोन बेच दिया। 13 लिया, कितना मिला उसका कैशबैक? 45,000। यानी 45 और 63 को माइनस करेगा तो कितना हो गया? 18,000। वही कैलकुलेशन मैं 14 के लिए यूज़ किया। वापस कितना जाएगा नया फ़ोन लेने में? वापस 18,000। और सुन, 15 के लिए भी मैं यही कैलकुलेशन यूज़ करेगा तो वापस कितना जाएगा? वापस 18,000। यानी 3 साल में अपना जा रहा है 54,000, लेकिन हर साल नया आईफोन 54,000 रुपीज़। यानी आपका पूरा 11,000 का नुकसान हो गया, जो 11,000 मैं बचाऊँगा। अरे 11,000 का नुकसान हुआ, लेकिन हर साल नया आईफोन तो मिला ना। अब देख, काम कर तू, 11,000 को 36 महीने से डिवाइड कर, कितना हो गया? 310 रुपया। अपने को मालूम है, इधर कैलकुलेटर है। बैड कपूर जी, आपकी बात मैं समझ रहा हूँ, लेकिन आपको नए दो फोन्स जो आप लेंगे, पहला फ़ोन तो मैं भी लूँगा, उसके लिए केस और स्क्रीन प्रोटेक्टर तो मैं भी लूँगा, लेकिन अगले दो फ़ोन के भी तो भरने पड़ेंगे। एक 1,500-1,500 रुपये तो आपके हर साल उसमें भी खर्च होंगे, 3,000 का और नुकसान। नादान है। अरे चूने के बाल के, देख। अच्छा चल, 3,000 रुपया ज़्यादा लग रहा है ना अपना दो फ़ोन पे। डाला, वो भी डाला, कितना हो गया? 3,000 × 24, 125 रुपया। कैलकुलेटर इधर है। पहले अपन क्या कैलकुलेट किया था? 306 रुपया महीना। अभी दोनों को जोड़ कितना हो गया? 431 रुपीज़ पर महीना एक्स्ट्रा तेरे को लगा के कवर और स्क्रीन प्रोटेक्टर के साथ हर साल नया आईफोन मिल रहा है। आईफोन नहीं लेगा तू, तेरे को शाइनिंग नहीं मारने का है, तेरे को नवीन कैमरा नहीं चाहिए, तेरे को लड़की लोग के सामने छावा नहीं बनने का है क्या? तो लेगा ना। अरे तेरे को कम पड़ेगा, अपने से ले यार, अपना दिल बड़ा है, फिर ऐसा नहीं है। ये जो फ़ोन तू 3 साल यूज़ करने वाला है, उसका बैटरी परसेंटेज नहीं गिरेगा क्या? वो जो 20,000 बोल रहा है, तेरा आके फ़ोन देखेगा ना, बोलेगा नहीं इसका 15 ही देगा। और तेरे फ़ोन पे किधर डेंट स्क्रैच वगैरह आएगा ना, तो शायद 15 से भी कम देगा। अपना तो कैलकुलेशन ही बदल जाएगा, अपना दिल बड़ा है, तेरे लिए अभी भी 20 पकड़ा है क्या? अरे बैड कपूर जी, आप तो वाकई शाणे हैं। 431 रुपीज़ तो मैं हर महीने अफोर्ड कर सकता हूँ। मैं यही करूँगा, मैं हर साल नया आईफोन लूँगा, और ये 431 रुपीज़ बचाने के लिए मैं अनन्या पांडे जी की पिक्चरें हमेशा OTT पे देखूँगा। वैसे भी उन पे थिएटर में बहुत पैसा खर्च रहा हूँ। धन्यवाद, आपने मेरी आँखें खोल दी। समझ में आया ना चिंगम चोर, अभी अपना आईफोन 12 लेने का और उसको किधर बेचने का है वो देखने का, ठीक है? और पहली फुर्सत में बैड कपूर विंस। आप कौन सा ऑप्शन चुनेंगे मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और ऐसे वैल्यू फॉर मनी बाइंग एनालिसिस हम बहुत करते हैं, तो उसके लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आई एम ऋषि कपूर, इट्स पैसा तेरा बाप देगा। मैं अभी आपको बोला सब्सक्राइब करो, आप किए नहीं, अभी बेल आइकन भी दबाओ। पैसा तेरा बाप देगा।